मंजी बाबा जिंदाबाद 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 मंजी बाबा जिंदाबाद 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 विकल वरंटे जिंदाबाद 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 विकल वरंटे जिंदाबाद 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 ले 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 पुलिस प्रशासन हाय 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 खत्म हो गया पगड़ी बांधने में थोड़ा खड़ा हो जाएगा राजीव सर जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आराम आराम सा कैसा लग रहा है आपको बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है हमारे दुमका के बस स्टैंड में आए दिन आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है मारपीट होता है आए दिन और आज भी उसी तरह का घटना घटा मेरे पास कॉल आया और वो भी जिसके साथ आज घटना घटा वो आपका हमारे आदिवासी समाज के सर्वोच्च पद दिसम परानिक बिनलाल टुडू उनका माथा मार करके उनको लहूलुहान कर दिया गया हम आए देखें कि सही में उनका खून बह रहा था खून बहने के बाद देखते ही लड़का लोगों का पूरे समाज के लोगों का हुजूम वहां जमा हो गया और इसके बाद प्रशासन के वार्ता के दौरान धक्का मुक्की होने के कारण हमको यहां पर अरेस्ट किया गया था और हमारे समाज की एकजुटता के कारण आज इन लोगों ने मुझे छोड़ा है और मैं प्रशासन को हिदायत देना चाहता हूँ इस तरह की घटना को बार बार जिस तरह दोहराया जा रहा है ये हमारे दुमका प्रशासन की नाकामयाबी है हर एक महीना आदिवासी भाई के साथ मारपीट होता है ये बीते 15 अगस्त को ही इस तरह की रात को घटना घटी थी इसमें भी वीडियो फोटेज तक दिया गया था ये लोग को अभी तक ये लोग अपना कार्रवाई नहीं किए दोषियों को अभी तक नहीं पकड़ पाए अगर मान लिया जाए इस तरह प्रशासन अपने काम ही नहीं करेंगे तो किस तरह से विश्वास हम उन पर करेंगे आज उनका रवैया देख करके विश्वास मतलब उन पर विश्वास ही खत्म हो चुका है। अच्छा आंदोलन करना है अपने अलग जगह लेकिन ये तोड़ फोड़ करना और पूजा का समय था प्रसादी वगैरह तितर बितर कर दिया गया फेंक दिया गया कुर्सी तोड़ दिया गया ये कहाँ तक सही है ये तोड़ फोड़ अगर आप बोल रहे हैं हम किए हैं तो ये गलत बात है आरोप आप पर लोग पर लग रहा है ये गलत बात है हम तो वहाँ वार्ता करने गए थे आप एक भी वीडियो वहाँ दिखा दीजिए वहाँ पर जिसमें हम तोड़ फोड़ किए हैं जबरदस्ती यहाँ पर हमको घसीटा गया है घसीट करके यहाँ पर लाया गया है पूजा का जो सामग्री था उसको फेंक दिया गया ये आरोप आप लोग को लग रहा है ये देखिए ये भीड़ का माहौल था कौन क्या नहीं किया लेकिन हम जिनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो सब में कोई सम्मिलित नहीं थे आप अपना नाम बता दें और कहाँ के मेरा नाम विशाल मारांडी हुआ दिसम मंजी बाबा तुमका धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू।